छुआ नहीं पहले कभी ये, छुआ नहीं दिल को किसी ने हर आरज़ू, तू ही चैन ओ सुकून। सो गाइस, रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन है, पूरा खतरों से खाली नहीं है गाइस, हर तरफ कठिन ही कठिन रास्ता है गाइस। हम कितनी बार बाइक से गिरने से बचे, 5 फुट का रास्ता है गाइस, अगर हम लेफ्ट साइड में चले गए तो हमारी बाइक डायरेक्ट लैंडस्लाइड होके नीचे चली जाएगी गाइस। लद्दाख इज नॉट इजी ब्रो, पक वाला रास्ता है यार, लिटरली मैं आपको बोलूं ना गाइस, 200 किलोमीटर तक अभी हमें कंटिन्यू ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा यार। ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर है और ऐसे रोड पे पानी आ रहे हैं यार। चलो गाइस चलते हैं पेंगुइन लेक की तरफ, आप व्लॉग में आखिरी तक बने रहना। हेलो गाइस, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, आई होप गाइस आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना, मैं थांग विलेज तक लास्ट व्लॉग को रखा हूं और अभी हम निकल रहे हैं थांग विलेज टू पेंगोंग लेक, जो लगभग 330 किलोमीटर है और हमें जाएगा 8 घंटे के करीब। तो गाइस हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है थांग विलेज टू पेंगोंग लेक और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी आने वाला, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर्स भी होने वाला, तो गाइस एकदम नेक्स्ट लेवल का मज़ा आने वाला है गाइस। तो हम सुबह सुबह पहले थांग विलेज को कवर किए, अब हम थांग विलेज टू पेंगोंग लेक जा रहे हैं। तो गाइस आप व्लॉग में आखिरी तक बने रहना और आप नज़ारे को इन्जॉय करते रहना। जैसा कि आप देख सकते हो हर जगह पर हमें रोड कहीं पे टूटा मिल रहा है तो कहीं पे अच्छे रोड मिल रहे हैं गाइस, और नज़ारे देखो सामने के क्या ही प्यारे दिख रहे हैं। और सुबह सुबह का जो मौसम रहता है ना गाइस थांग विलेज का, एकदम सुकून, एकदम प्यारा प्लेस। और बाजू में देखो गाइस क्या ही प्यारा नदी बह रहा है। और गाइस एक और प्रॉब्लम आ गया यार, हमारा पेट्रोल ख़त्म होने वाला है गाइस, और अभी हमें हुंडर पहुँचना है जो लगभग 100 या 150 किलोमीटर है थांग विलेज टू हुंडर। चलो गाइस देखते हैं हमारी गाड़ी जा पाती है या नहीं हुंडर तक, आई डोंट नो, बट हम कोशिश करेंगे लेकर जाने का। हमारे साथ 2 गोवा के राइडर भी हैं, अगर हमारा गाड़ी बाई चांस बंद होता है तो हमारा हेल्प करेंगे वो। तो एक भाई हमारे आगे हैं और एक भाई हमारे पीछे है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरी गाड़ी हुंडर तक जा सकती है, बिकॉज गाइस हुंडर में ही पेट्रोल पम्प है, नुब्रा वैली हुंडर है ना, वहाँ पे ही एक पेट्रोल पंप है, बाकी आपको कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला। तो हम कल जब निकले थे तो हमने पेट्रोल भराया था, बट क्या पता पेट्रोल हमारा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया, बिकॉज गाइस जब पहाड़ों में गाड़ी चलती है तो पेट्रोल ज़्यादा ही लगता है। तो जब हम नुब्रा वैली से निकले थे थांग विलेज के लिए तो पेट्रोल हमारा ख़त्म हो गया गाइस, तो अभी लगभग 1 या 2 खोटी है, तो हम ले जाने का कोशिश करेंगे अपने बाइक को। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से अपने बाइक को थांग विलेज टू हुंडर नुब्रा वैली लेकर गया। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको मैंने क्या किया था, जब मेरे बाइक में पेट्रोल एकदम ही कम हो गया था तो मैं क्या कर रहा था, जब भी ढलान आ रहा था गाइस तो मैं अपने बाइक को ऑफ कर देता था और मैं क्लच दबा के बाइक को नीचे ढलान में लेके जाता था। और गाइस पहाड़ों में थांग विलेज से हुंडर नुब्रा वैली के बीच में बहुत ही लंबा लंबा ढलान आता था, तो उस बीच में क्या करता था गाइस, क्लच दबा के बाइक ऑफ करके मैं ढलान पे गाड़ी नीचे लाता था। उससे क्या ना गाइस, जो मेरे बाइक में पेट्रोल बचा है वो थोड़ा और सेफ हो जाता था गाइस। और गाइस मैं आपको बता दूँ ये नज़ारे और ये जो ब्यूटीफुल वाइब, इसको देख के तो गाइस मेरा दिल जो बहल रहा था यार, मैं क्या ही बोलूँ। और गाइस मेरी माइक का प्रॉब्लम हो गया था गाइस, लिटरली इसी के लिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ गाइस, तो आप बताना मैं कैसा वॉइस ओवर कर रहा हूँ यार, मैंने कभी इससे पहले वॉइस ओवर किया नहीं है। और यहाँ पे हमारे एक पार्टनर रहे हैं जो फ़ोटो वगैरह लेने में मगन है। सो गाइज हम लोग बाजी मार चुके हैं, हमने अपनी गाड़ी को 70 से 80 किलोमीटर एकदम प्यार से लेकर आ गए हैं। और गाइज अभी हुंडर नुब्रा वैली बच गया है, आई थिंक मेरे हिसाब से 15 से 20 किलोमीटर और बच गया है गाइज, तो हमने तो बाजी मार ही लिया है गाइज। तो चलो देखते हैं कि अभी भी हमारी गाड़ी जाएगी या नहीं जाएगी, बिकॉज गाइज फ्यूल मीटर ब्लिंक कर रहा है और गाड़ी बीच बीच में ब्रेक भी ले रही है। तो गाइस अगर गाड़ी बंद हो गया तो उतनी वजन गाड़ी को टो करना गाइस लिटरली बहुत ही मेहनत वाली काम हो जाती है। तो चलो देखते हैं गाड़ी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, वो तो आपको आगे
पता चल ही जाएगा, तो आप व्लॉग में आखिरी तक बने रहना। तो अभी हम फाइनली पहुंचने वाले हैं नुब्रा वैली। आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में पूरा वाइट सैंड है गाइस। जैसा कि आपको मालूम रहेगा राजस्थान में जैसे येलो सैंड रहता है, वैसे ही नुब्रा वैली में पूरा वाइट सैंड रहता है। तो नुब्रा वैली वाइट सैंड से ही फेमस है गाइस। और यहाँ पे जब तूफान आता है और जब वाइट सैंड उड़ता है यार, क्या ही प्यारा दिखता है वो नज़ारा यार। लिटरली लद्दाख से तो मेरा अलग ही क्या बोलूँ यार, मुझे तो लद्दाख से मोहब्बत हो गया यार, आप बताओ। तो वाइट सैंड देख सकते हो गाइस, कितनी खूबसूरत कितना प्यारा दिख रहा है गाइस। हम लोग नुब्रा वैली गए तो यार ऊँट पे बैठ के सवारी नहीं किया, और ये पूरा वाइट रेगिस्तान यार देख के अगली अलग ही खुशी होता है यार। हमने तो कभी पहले वाइट सैंड देखा नहीं था। तो आप लोग भी देख लो गाइस, और व्लॉग में इंजॉय करते रहो यार। और मेरे आगे देख सकते हो अभिषेक भाई है, और मेरे पीछे यश भाई है, जो दो भाई लोग हैं गोवा से हैं। ये हमें कश्मीर में मिल गए थे, तो ये हमारे साथ हमेशा रहे हैं। अगर हमारा बाइक भी बंद हो जाएगा तो भाई साहब है हेल्प करने के लिए, तो कोई डरने वाली बात है नहीं। और मेरे लेफ्ट साइड में देख ही सकते हो गाइस वाइट सैंड, और एकदम आगे माउंटेन और उसके ऊपर बर्फ़ की चादर। तो गाइस अभी 7 या 8 किलोमीटर और बच चुका है पेट्रोल पंप, तो देखो गाइस बाइक जा पाती है या नहीं जा पाती। आई होप सो बाइक चली जाए, देखते हैं। क्योंकि भाई रॉयल इनफील्ड का हंटर 350 हम लद्दाख लेकर आए हैं, मुंबई टू लद्दाख मचाएंगे। तो अब व्लॉग में आखिरी तक बने रहो यार। क्या बात है, क्या बात है। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हुंडर नुब्रा वैली, और आपको दूर से ही दिख रहा होगा पेट्रोल पंप। यार मानना ही पड़ेगा यार, मेरे बाइक में सिर्फ 2 पॉइंट पेट्रोल था, और मैंने पूरे रिवर्स में बाइक लेकर आया गाइस, तो पूरा 100 किलोमीटर कवर्स किया, वो भी माउंटेन पे गाइस। जब बाइक चलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूल लेता है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं एचपी पेट्रोल पंप, जो हुंडर में है ये पेट्रोल पंप। तो चलो पेट्रोल भराते हैं फटाफट, फिर हम यहाँ से निकलेंगे पेंगोंग लेक की तरफ। तो आप व्लॉग में आखिरी तक बने रहना। वो हमारे दो दोस्त खड़े हैं पीछे, तो फटाफट यहाँ पे से टैंक बैग हटाते हैं। इसको टैंक बैग नहीं बोलेंगे गाइस, हम इसको थैली के साथ, थैली के अंदर बैग डाल दिए थे कि बारिश वगैरह हो तो सेफ़ रहे। तो फटाफट हम पेट्रोल वगैरह लेते हैं बाइक में, पूरा टैंक फुल कराएंगे, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे पेंगोंग लेक की तरफ। तो देखते हैं। तो गाइस जो वॉइस ओवर कर रहा है, ये सामने हेलमेट लगा के खड़ा है, ये वॉइस ओवर कर रहा है। तो अभी देखते हैं नेटवर्क वगैरह आया है कि नहीं फ़ोन में यार। तो चलो देखते हैं, आप ब्लॉग में आखिरी तक बने रहना। तो गाइस देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो फाइनली हम जो पेट्रोल पंप पे जहाँ पेट्रोल भरा है अपने बाइक में, वहाँ से 700 या 800 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो आगे से कहा गया है कि 15-20 मिनट का वक्त लगेगा, जब तक इंतज़ार करो। और गाइस देखो क्या ही प्यारा सीन दिख रहा है ना यार। ओहो So, भाई लोगों ये देख सकते हो रास्ता काफी डेंजरस है यार, और ये पूरा व्हाइट सैंड से भरा हुआ है। जब जब इस व्हाइट सैंड पे अपनी बाइक चलती है गाइस, तो स्लिप होके गिरने का डर रहता है। बट गाइस अगर हम गिर भी जाते हैं ना, तो हमें चोट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिकॉज हम गिरेंगे तो बालू पे ही गिरेंगे ना। तो चलो गाइस आप व्लॉग में इंजॉय करते रहो। गाइस ये देख सकते हो पूरा ऑफ रोडिंग है गाइस। जैसे ही हम नुब्रा वैली क्रॉस किए, उसके बाद से गाइस पूरा हमें ऑफ रोडिंग मिलने वाला है, वो भी गाइस 200 किलोमीटर तक हमें कंटिन्यू ऑफ रोडिंग मिलने वाला है यार। तो अगर आप लद्दाख आना चाहते हो तो देख सकते हो क्या ही ख़तरनाक लेवल का ऑफ रोडिंग है। और दूसरी बात, पेंगोंग लेक जाने का एक दूसरा रास्ता भी है गाइस, वो रास्ता बंद है क्योंकि उस रास्ते पर लैंडस्लाइड हुआ है गाइस, इसी के लिए वो रास्ता बंद है। आप ये देख सकते हो हम लोग किस रास्ते से होके जा रहे हैं। यहाँ पे रोड वगैरह का काम चालू है, बस बजरी और पत्थर डाल के अभी बस हल्का सा ढलान किए हैं अभी उस पे से ना, क्या बोलते हैं गाइस, रोड पीच नहीं किए गाइस। तो इसी के लिए बड़े बड़े पत्थर भी हैं, छोटे छोटे भी पत्थर है गाइस, और चलाने में काफ़ी ज़्यादा वाट लग रहा है यार। और पीछे जो फैज़ान भाई बैठे, उसके तो कमर में दर्द हो गया यार, एकदम फक वाला रास्ता है यार। लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है। अगर आप ऑफ रोडिंग के दिलचस्पी है, अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, तो आप तो इस रास्ते को ज़रूर आजमाना, इस रास्ते से ज़रूर आना गाइस,
क्योंकि आप ऑफ रोडिंग से प्यार करते हो तो यह रास्ता आपका दिल खुश कर देगा यार। मिला है अपने को अच्छी रोड, माँ की आंख फेर लेंगे अभी। Fuck, क्या है ये सब? हाँ कसम क्या रास्ता है, यूं 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। गाइस सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो जो बाइक के आगे कार है जम्मू एंड कश्मीर की, तो वैसे मैप लगा है बट वो भाई लोग बोले कि आ जाओ मेरे पीछे पीछे, हम भी वहीं जा रहे हैं तो उसी को चेस कर रहे हैं। तीन बाइक लाइन से है और तीन थी, पता नहीं वो कहाँ है, दिख नहीं रही है और वो लोग के पास लाइट भी नहीं है। वो लोग को तो हम लोग बोले थे हम लोग को चेस करो बट क्या पता दिख नहीं रहे। अभिषेक के आगे है कार के पीछे और अभिषेक के पीछे मैं हूँ, मेरे पीछे यश है। तो 8:30 बज चुके हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा हो गया था लेट पेट्रोल पंप पे, लोकेशन मैप ये सब का और उसके बाद पेट्रोल वेट्रोल का सारी बातें चीज बातें होने के बाद हम लोग वहाँ से निकले तो थोड़ा सा वहाँ लेट हो गया। और हम लोग गाइस थांगसे से हम लोग पेट्रोल कैरी कर लिए हैं केन में जो यश के बाइक पे है और यश ने भी 1 लीटर के बॉटल में कैरी किया है। जो केन है 8.5 लीटर कुछ 300 ml समथिंग है और तीनों की बाइक की टैंक फुल है। ये हिमालयन 450 की तो 17 लीटर की है बट मेरी जो है वो 13 लीटर की है, तो ठीक है एवरेज देती है उसके हिसाब से, ठीक है सही मिल जाता है। चलो 17 किलोमीटर और है पेंगोंग लेक, तो बस अपनी स्पीड में चल रहे हैं और क्योंकि हाईवे है तो अच्छा है जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर गाइस ऑफ रोडिंग होती तो मुझसे तो हो नहीं पता, शायद से हम लोग रास्ते में ही स्टे ले लेते बट रास्ता अच्छा है तो हम लोग जा रहे हैं इतनी टाइम, वरना नहीं जाते थे। तो पूरा हाईवे है कोई टेंशन नहीं, बट अगर ऑफ रोडिंग होता मतलब तब तो भाई वाट लग जाती, पूरा रास्ता साफ, हम लोग के अलावा कोई नहीं, फट जाती गांड। गाइस हम लोग बीच वाले पट्टी के साइड से चल रहे हैं क्योंकि ये परफेक्ट हो सकता है बट लेफ्ट और राइट वाले परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मिस हो सकते हैं बट वाइट वाली पट्टी परफेक्ट, बाकी तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको किधर लेफ्ट राइट किधर कर्व है ज़्यादा, सो बताते रहता है जैसे आपकी लाइट पड़ेगी वो खेल उठेगा। जैसे कि वीडियो में देख ही सकते हो सब रेडियम लाइट पड़ते ही चमक रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कर्व है
8:35 हो गए, 14 किलोमीटर और बचा है। 8:55 टाइम दिखा रहा है गूगल मैप। सो आई थिंक जो स्पीड से हम लोग चलेंगे उसी से स्पीड से वो मैप दिखाता है। सो फाइनली गाइज, अभी रात के बज रहे 9:35 और हम पेंगुइन लेक पहुंच चुके हैं। और रोड और रास्ते में गाइज काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिला और हमारा टॉप बॉक्स का फिर से टॉप रैक फिर टेढ़ा हो गया गाइज। तो हम पेंगुइन लेक में होटल में स्टे किए हैं गाइज। तो ये रहा रूम, ऐसा है, नॉर्मल है, यहाँ पे पर्दा वगैरह है, इधर वॉशरूम है और गाइज यहीं जस्ट में बाइक पार्किंग है। तो गाइज ये रूम हमें आया है 1200 विथ डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है इसमें। तो गाइस यहाँ गवर्नमेंट ने अभी तक लाइट प्रोवाइड नहीं किया है, तो यहाँ जो जनरेटर होता है ना उससे लाइट दिया जा रहा है। तो काफ़ी लोग का यहाँ और भी हमारे आजू बाजू में जो लोग सब स्टे किए हैं उनका चार्जर वगैरह सब उड़ रहा है, तो हम तो चार्जिंग करेंगे नहीं, हम ऑन द वे अपने बाइक में ही कर लेंगे। तो गाइस तो चलते हैं, फिर सुबह में आपसे हम मिलते हैं, बिकॉज कल रात में भी हम नहीं सो पाए थे। और क्योंकि कल रात में हम टेंट में स्टे किए थे ना, तो हमारे पास स्लीपिंग बैग नहीं था, तो हम ऐसे ही जैकेट वगैरह डाल कर सो गए, तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हमें नींद नहीं आ रही। तो गाइस आज हम अच्छे से सुकून से सोएंगे, फिर कल आपसे हम मिलेंगे और कल आपको पेंगुइन लेक के नज़ारे और ब्यूटीफुल वाइब सब देखने को मिलेगा। तो आप व्लॉग में आखिर तक बने रहना। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पेंगुइन लेक के पास, जो बहुत ही फेमस लेक है। 3 Idiots मूवी जब से बनी है तब से ये पेंगुइन लेक एकदम वायरल हो चुका है गाइस, और यहाँ पे आने के बाद अलग ही सुकून मिल रहा है। तो मैं सुबह सुबह उठ के ही नहा लिया था और यहाँ पे पूरा 3 Idiots मूवी का जो बम वाला सीन सब है सब यहाँ पे लगा के रखे है गाइस। ये देखो एक लाइन से स्कूटी सब लगी हुई है, ये धरी 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 धरी। और गाइस अब रिवील होने वाला है लेक, ये है गाइस पेंगुइन लेक। ये देखो क्या ही खूबसूरत दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा इंडिया का फ्लैग। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये आप जो देख रहे हो ना गाइस, ये वाला ये है चाइना का माउंटेन। एक्चुअल में गाइस पेंगुइन लेक का आधा हिस्सा तो हमारे चाइना वाले भाई लोग ने ले लिया, नहीं तो हमारा पेंगुइन लेक काफ़ी बड़ा रहता। और यहाँ पे अभी ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, बिकॉज धूप काफ़ी अच्छा है। सो गाइज अभी हम फोटो और वीडियो सारा कुछ शूट कर लिए है, बस अभी बाइक के साथ फोटो और वीडियो लेना है। और गाइज यहाँ पे जो सुकून मिल रहा है ना एकदम खतरनाक लेवल का, और सामने का व्यू देखो कितने लोग सब आए हुए हैं, ये देखो। और अभी हम यहाँ पे फोटो लेंगे, ये बम वाला, ये देखो जो 3 Idiots में आपने देखा होगा, ये देखो इसका, ये देख लो। और यहाँ पे है गाइस 3 Idiots का ये गाइस 3 Idiots में जो यहाँ पे स्कूटी चली थी ना, वो ये वाला एरिया है जो कोने में है।